हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद इन। आइए जानते हैं कि आज डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। आज हम ये जानेंगे कि आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में क्या मेजर या बड़े चेंजेस आने वाले हैं, और इसके लिए कृष्णा खुद हमें आज गाइडेंस देंगे। तो कृष्णा एक तो आपसे ये कह रहे हैं कि आपका टाइम आ गया है, कि आपने जब किसी से कुछ ली थी, कोई हेल्प ली थी, या आपने कुछ फाइनेंशियल हेल्प ली थी या किसी से कुछ इमोशनल हेल्प ली थी, तो अब वो टाइम आ गया है कि आपको उस हेल्प या उस चीज़ को रिटर्न करना है। सो फ्रेंड्स, जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको आपसे कुछ डिमांड की जा रही है चीज़, या आपसे कोई आपने किसी से कोई हेल्प ली थी, फाइनेंशियल हेल्प ली थी, और वो अब वापस मांग रहे हैं, तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू द नीडफुल। उस चीज़ को आप अपना पूरी तरह से उस फर्ज को निभाइए। आपके लिए कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी आने वाली हैं, बट वो तभी होगा जब आप अपने पुरानी तरीके छोड़ेंगे, अपने पुरानी थिंकिंग पैटर्न्स, अपने पुरानी चीज़ें जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं, आप जब उनको छोड़ोगे तभी आप न्यू बिगिनिंग्स को कर पाओगे। बट ये न्यू बिगिनिंग्स हैं आपके लिए, तो आपको बस ये करना है, ये एफर्ट डालना है कि जो भी आपको पुरानी चीज़ें, कोई नेगेटिव आपके पैटर्न्स हैं, जैसे अगर आप बहुत कोई चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं या किसी लोगों के बारे में बहुत सोचते रहते हैं, तो आप उसको अब लेट गो करिए, अपने नेगेटिव फीलिंग्स को लेट गो करिए। आपके कोई, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहिए या कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहिए, तो अब आपको वो एक्शन लेना है अगर आपको अपने जीवन में न्यू बिगिनिंग्स चाहिए। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू, विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज पॉसिबली ऑन इट्स वे। तो नई चीज़ें आ रही हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा सब्र करना पड़े, बट आपकी अपने एक्शंस उस चीज़ को फास्ट कर सकते हैं, तो आपको भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आपको जो भी ये जर्नी है उसमें आपका भगवान का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। भगवान, आपको लगेगा भी कि जब मैं ये काम कर रही हूँ तो भगवान, आपको वो एक एनर्जी फील होगी कि मेरे काम हो रहे हैं, भगवान मेरे साथ हैं इस चीज़ में, और भगवान हमेशा आपकी इस जर्नी में आपके साथ हैं। जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट इस साल में या आने वाले 10 साल में या इस जीवन में क्या है। हमें ये याद रखना है कि वी आर ऑन अ सोल जर्नी, एंड दिस सोल जर्नी कुड कंसिस्ट ऑफ मेनी बर्थ्स। तो जो मैं अभी कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट मेरी ओवरऑल जर्नी में क्या रहने वाला है। तो अगर आप भगवान के रास्ते पे हैं, उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे हैं, तो भगवान भी आपके साथ अपनी इस सोल जर्नी पर हमेशा रहेंगे, आपको गाइड करेंगे और अपनी पूरी हेल्प आपके साथ रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत टाइम से अगर कोई चीज़ आपकी रुकी हुई है, कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, कोई काम बहुत टाइम से रुका हुआ है, तो अगेन द हेल्प इज़ ऑन द वे। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे, बट जैसे कि इसमें भी कहा था कि टाइम लग सकता है, बट आपको अपने ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, तो वो हेल्प रास्ते में है। जब आप अपने ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक करेंगे तो
पैरेलली वो हेल्प भी आपके पास आ जाएगी। तो आपको वो होप बना के रखनी है और जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, उस पे आप एनर्जी अपनी लगा के रखिए। फ्रेंड्स, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी न्यू बिगिनिंग्स भी आएंगी, ठीक है। आपको अपने पुराने हिसाब भी बराबर करने हैं, ठीक है, और डिवाइन आपको हेल्प भी दे रहा है। बट एक एक्शन जो आपको भी करना है ना फ्रेंड्स, वो ये है कि आपको भी शेयर करना है, मतलब डोनेट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि वो एक फाइनेंशियल और या मॉनेटरी हेल्प हो। आप एनिमल्स को कुछ खिला सकते हैं, राइट, या जैसे कोई हंग्री है तो उसको कुछ दिला दिया, या किसी को कपड़े दे दिए। अपने नोन में लोग हैं जिनको कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो वो आपने अपना हेल्प एक्सटेंड करनी है। रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। तो फ्रेंड्स, ये अननोन नहीं होता हमारे लाइफ में कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। इट्स ऑल रिलेटेड टू व्हाट वी डू। हम जब लोगों से शेयर करते हैं या दूसरों की प्रॉब्लम्स में उनको हेल्प करते हैं, तो हमारी भी आगे जाके हमें हेल्प मिलती है, लाइफ इजी होती है, राइट। और जब हम किसी और से हेल्प लेते हैं तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम उस हिसाब को कंप्लीट करें, नहीं तो हमारा जो कार्मिक डेब्ट है वो बढ़ता रहता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो जर्नी है बर्थ आफ्टर बर्थ वो कम हो जाए ड्यूरेशन, तो हमें अपने सारे कार्मिक डेब्ट्स जितना हो सके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम लीस्ट बैगेज के साथ डिवाइन के साथ मर्ज हो सके। आइए डिवाइन से पूछते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। फ्रेंड्स, डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी मेजर चेंज आएगा अभी आपकी लाइफ में, तो ये ऐसा नहीं है कि वो चेंज अपने आप आ रहा है, राइट। तो आपको कुछ सिलेक्ट करना है, चूज करना है, और उसके बेसिस पे ही वो न्यू बिगिनिंग्स और न्यू चेंजेस होंगे। तो ऐसा है कि आपको भी अपनी तरफ से एक जो होता है इंटेंशन यूनिवर्स को दिखानी होती है, देनी होती है कि हाँ, आई वॉन्ट अ चेंज, आई एम रेडी टू लीव माई ओल्ड पैटर्न्स दैट आर होल्डिंग मी बैक और दैट आर स्टॉपिंग मी फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। तो जब आप वो इंटेंशन यूनिवर्स को देते हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए फिर एक्शन लेता है, हेल्प देता है आपको, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आती हैं। बट उसमें भी एवरीथिंग रिक्वायर्स एन एक्शन फ्रॉम आवर साइड। तो हमें सिलेक्ट करना है, राइट, कि हमें क्या चाहिए, हमें वो इंटेंशन दे रही है। व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, इसलिए चूज वाइजली। वी कैनॉट ब्लेम एवरीथिंग ऑन द यूनिवर्स, ऑन गॉड और ऑन अदर पीपल। इट इज डिपेंडेंट ऑन अस। हम जो चूज करते हैं वही फिर मैनिफेस्ट होता है। जहाँ हम एनर्जी जाते हैं, डालते हैं, वो चीज हमारे लिए आगे बन के आती है। फ्रेंड्स, आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स हैं, राइट। हो सकता है कि आपका कोई कोलैबोरेशन हो किसी के साथ, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, बट वो कोलैबोरेशन आपके लिए वर्क करेगा। उस कोलैबोरेशन के लिए आपको ओपन माइंडेड रहना है, आपको वाइजली चूज करना है। आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस है, आपका कोई पुराना डेब्ट है उसको क्लियर करिए, और जितना भी आपके पास है अभी, ये मत सोचिए कि कम है, उसको भी आप शेयर करिए। तो डिवाइन आपकी हेल्प आ रही है आपके लिए नए रास्ते खोलने। फ्रेंड्स, आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू सम गाइडेंस ऑन हाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर ऑन वॉट एवर प्लान्स यू हैड। डिवाइन इज ऑलवेज देयर विद अस। तो इस सब रीडिंग का जो क्रक्स निकल के आता है वो ये है कि एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स, and it is also that we have to pay back for what we have taken, and that we have to share
what has been given to us, and God is always watching over us, and when we ask for help, help always comes to us. So keep your faith in God, do the right things, manifest what you want, and it will come your way. It may take time, but it will be yours. Thank you, friends, for watching this reading. Hope it helps you. Please leave me a comment or press the like button. Subscribe to my channel, Connecting Within. Thank you. Bye-bye, and have a blissful spiritual day.